नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। सीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर नया रिक्रूटमेंट कब आ रहा है और इस बार के रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट टाइम जो आपका रिक्रूटमेंट आया था वो 2022 में आया था और उसके बाद में इस भर्ती का प्रक्रिया है वो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया गया। अभी नई वैकेंसी को लेकर भी कुछ अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि नई वैकेंसी कब तक आने वाली है और इस बार कौन कौन से अभ्यर्थी है इस बार ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही भाई इस बार सीएसएफ भी बहुत बड़े बदलाव ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल की भर्ती में करने जा रहा है, तो वो क्या बड़े बदलाव इस बार आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी जाके आपको ये सारी चीजें हैं वो डिटेल से समझ में आने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस बहुत ही जल्द आप लोगों का शुरू होने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली सीएसएफ ट्रेडमैन हेड कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। लास्ट टाइम जो आपका रिक्रूटमेंट आया था वो 2022 में आया था और दोस्तों उसका जो बैच था उसका फाइनली रिजल्ट आ चुका है और हमने जो बैच लाया था उसका शानदार रिजल्ट रहा था। आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म जहां पर स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच लेके आते जो कि ट्रेड्समैन और ड्राइवर को समर्पित होते। अभी नई वैकेंसी के लिए भी आप लोगों के लिए फिर से एक उम्मीद की किरण निकल के आ रही है। नई वैकेंसी आप लोगों की इस बार कितने पदों पर रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे इस बार के सब ट्रेड्समैन में, कौन कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई लास्ट टाइम देखो रिक्रूटमेंट आया था वो यहां पर आया था आप लोगों का, इससे पहले वाले रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, 2019 में आप लोगों का रिक्रूटमेंट निकल गया था। 2019 के बाद में जो दूसरा आपका रिक्रूटमेंट आया था वो 2022 में आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट निकल के आता है, लेकिन इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो 2023 में कंप्लीट होता है। 2023 में इसका रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर अगर आप गैप देखेंगे तो भाई देखो कोविड-19 भी आप लोगों का बीच में आ गया था, 2020-21 की बात है, तो उसकी वजह से ये भर्ती है ये डिले हो गई थी और उसके बाद में 2022 में ये भर्ती निकल के आई थी। अब आप सभी को पता है जितने भी ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट आते हैं चाहे वो किसी भी फोर्स में हो हर साल रिक्रूटमेंट आता है लेकिन डिले हो जाता है। किस वजह से डिले होता है, क्योंकि भर्ती का जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो कई बार रुक जाते हैं। जैसा कि यहां पर आपने देखा भर्ती 2022 में निकल के आती है, प्रोसेस 2023 लास्ट में कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो आपको समय लग रहा है इसमें नया रिक्रूटमेंट आप लोगों का जब तक पिछला रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक नए रिक्रूटमेंट भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें बच्चे ट्रेडमैन में भी सिलेक्ट हो जाते और दूसरे रिक्रूटमेंट में भी सिलेक्ट हो जाते, तो ऐसे में वो ट्रेडमैन वगैरह की जॉब छोड़ देते हैं और वैकेंसी जो खाली रहती है वो नई वाली वैकेंसी में अपडेट हो जाती है। तो यहां पर जो नया वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रहा है वो 2024 में आ रहा है और इस बार के रिक्रूटमेंट में बहुत बड़े बदलाव आप लोगों को ट्रेड्समैन में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। देखो कुक है, वाटर कैरियर है, स्वीपर है, बार्बर है, धोबी है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी आपके जो आईटीआई वाले हैं जैसे पेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिकल है, इन सभी के भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। जबकि ड्राइवर की वैकेंसी अलग से आती है सीआईएसएफ में, ठीक है। तो यहां पर केवल ट्रेडमैन की रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और इस बार भाई सबसे पहले सीआईएसएफ भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। आपने देखा होगा अग्निवीर लागू होने के बाद में सीआरपीएफ ने भी रिटर्न एग्जाम करवाना शुरू कर दिया, वही बीएसएफ ने भी हेड कॉन्स्टेबल में रिटर्न एग्जाम करवाना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम ट्रेडमैन में भी रिटर्न एग्जाम होना था लेकिन लास्ट समय में उनका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन अब सभी एग्जामों में सभी जो आपके रिक्रूटमेंट होने वाले हैं चाहे वो ट्रेड्समैन का हो चाहे ड्राइवर का, पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बैक टेस्ट आपका लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट होगा और जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई करेगा उन्हीं बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल में जो बच्चा क्वालिफाई होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं नई वैकेंसी की बात करता हूं तो भाई कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, देखो पहली चीज अगर आप 10वीं पास है चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों के लिए रिक्रूटमेंट रहेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं मिनिमम आपकी एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 23 साल होनी चाहिए। अब देखो अलग अलग होता है, अगर आपने देखा होगा तो बीएसएफ में ये एज ट्रेडमैन में 25 साल रखी गई है,
जबकि सीआईएसएफ में और सीआरपीएफ में ये एज आपको 23 साल तक ही मिलेगी। ये केवल जनरल वालों के लिए रहेगा। किसके लिए? जनरल के लिए रहेगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसा कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों का यहां पर एज है वो 18 से लेकर 26 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसा कि एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 18 से लेकर 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ये आप लोगों का रहेगा एज का क्रिटेरिया। उसके बाद मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई जो भी बच्चा इस एज क्रिटेरिया में आता है वो इस बार 2024 के ट्रेडमैन के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं कि इस बार की अप्रोक्स वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो मान के चलिएगा 700 प्लस वैकेंसी इस बार आप लोगों को ट्रेड्समैन में देखने को मिलने वाली। और ये वैकेंसी रहेगी, ये आप लोगों की रहेगी रीजन वाइज, अलग अलग रीजन वाइज ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आपने देखा होगा पिछली भर्ती की कट ऑफ आई थी, अगर कट ऑफ नहीं देखी है तो सेपरेटली मैंने वीडियो बना दिया है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे राज्यों में बच्चों का 40-45 पे भी सिलेक्शन हुआ था। जबकि बड़े राज्यों की बात करता हूं मैं, राजस्थान की बात करता हूं, हरियाणा की बात करता हूं, यूपी की बात करता हूं, बिहार की बात करूं, तो यहां पर बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था वो 75 प्लस बच्चों ने स्कोर किया था, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये आपके राज्य के कंपटीशन पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार भाई सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न में 20 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार आपको रिटर्न एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वैकेंसी कब तक आप लोगों की आने के चांस है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी आप लोगों की चुनावी प्रक्रिया होने वाली है, अभी आचार संहिता भी लग चुकी है, अप्रैल में दोस्तों आप लोगों के चुनाव शुरू हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग आप लोगों की वैकेंसी है वो मई जून तक आप लोगों को इसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो भाई अच्छे से अपनी तैयारी को पहले से शानदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा। वैकेंसी कंफर्म है कि आप लोगों की आएगी, क्योंकि 2019 की जो वैकेंसी थी उसका प्रोसेस 2022 में कंप्लीट हुआ था, और जैसे ही 22 में कंप्लीट हुआ 2022 में नई वैकेंसी आ गई। अभी 2022 वाली वैकेंसी का जो प्रोसेस था वो 2023 दिसंबर तक कंप्लीट करवा लिया गया। अभी 2023 वाली जो 2022 वाली भर्ती है उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अभी वैकेंसी आप लोगों की आ रही है वो 2024 में आ रही थी, अभी वैकेंसी आपकी आने ही वाली थी, लेकिन यहां पर चुनाव की वजह से थोड़ी सी वैकेंसी को डिले आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वैकेंसी आप लोगों की जरूर आने वाली है। और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में वैकेंसियों का दौर है वो फिर से ट्रेडमैन का और ड्राइवर का और हेड कांस्टेबल का फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि पिछले रिक्रूटमेंटों का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया गया है। अगर आप भी सीआईएसएफ में ट्रेडमैन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो भाई रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इस बार सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न के लिए भी सीआईएसएफ ने भी सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरह टेंडर दे दिया है, एजेंसी आप लोगों का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने वाली है। इसके साथ ही मैं बता दूं जो भी बच्चा रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्दी वाली जो क्लास है वो आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। और जो भी बच्चा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है तो वाली क्लास में आप पढ़ सकते हैं। पिछली क्लासों का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, शानदार रिजल्ट रहा था। इसके साथ ही मैं बता दूं अभी आप लोगों के लिए जो हमारे टारगेटेड बैच चल रहे हैं उसमें 70% की छूट चल रही है, जिसमें पहला आपका आरपीएफ की न्यू वैकेंसी 2024 के लिए हमारा सुरक्षा बैच चल रहा है 70% की छूट के साथ में मात्र 399 रुपए में। बीएसएफ की तैयारी करना चाहते हैं ट्रेडमैन की नई भर्ती के लिए तो इसके लिए हमारा वर्दी बैच चल रहा है, यह भी एक टारगेटेड बैच है जिसमें पूरा सिलेबस पीडीएफ नोट टैसे सब कुछ आपको दिया जा रहा है 70% की छूट के साथ में मात्र 399 रुपए में। अगर आपको केवल मैथ पढ़नी है तो मैथ स्पेशल भी हमारा चाणक्य बैच आ चुका है, मात्र 199 रुपए मिल जाएगा, जिसमें क्लासें और पीडीएफ नोट सारी चीजें आप लोगों को एक ही बैच में मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको प्ले स्टोर पे जाएं और बेस्ट एग्जाम सर्च करें और वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं यह भी आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।